हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सतीश तिवारी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पबजी तिवारी। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि जो इम्यूलेटर के अंदर, ब्लू स्टैक इम्यूलेटर के अंदर आप इस गेम को कैसे खेल सकते हो। आप देख सकते हो आज का डेट क्या है, मैं इस डेट में आपको दिखाता हूं बिना किसी बहुत ज़्यादा सेटिंग के। ठीक है, तो आप डेट टूडे देख सकते हो आज का डेट क्या है, 19 अक्टूबर 2023 को मैं यह सेटअप कर रहा हूँ। सबसे पहले मैंने क्या किया, मैंने ब्लू स्टैक डाउनलोड कर लिया। उसके लिए आपको क्या जाना है, ब्लू स्टैक के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है। आपको कौन सा डाउनलोड करना है ये भी आप देख लो। आपको ब्लू स्टैक के साइट पर जाना है, यहाँ से आपको ये पाई 64 बिट ये डाउनलोड करना है। मैंने इसी को डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लिया। सिंपली इसको डाउनलोड और इंस्टॉल करना है। ठीक है, पहला स्टेप आपका हो जाएगा डाउनलोड और इंस्टॉल कर लेना। आपको ये डाउनलोड और इंस्टॉल करोगे जैसे ही आपका, उसके बाद आपको कुछ सेटिंग करनी है। जैसा मैंने सेटिंग किया वैसे ही आपको करना है। पहला परफॉर्मेंस में आपका कोर दे देना, 6 कोर है तो 6 कोर, 8 कोर है तो 8 कोर, जितना मैक्सिमम कोर दोगे सही रहेगा, अदरवाइज लैग करेगा। आपका मेमोरी एलोकेशन मैंने 16 GB दे रखा है, टोटल मेरे पास 32 GB रैम है, मैंने 16 GB दे रखा है। आपके पास अगर टोटल 16 है तो आप 12 GB दे देना यहाँ पे। ठीक है, कस्टम कर। हाई परफॉर्मेंस मोड रहेगा, फ्रेम रेट 90 पे कर देना, 90 पे अच्छा काम करता है। ठीक है, और यहाँ से फ्रेम रेट इनेबल कर देना, FPS ये भी इनेबल कर देना, सब कुछ सेव करते जाना। ठीक है, सब कुछ सेव कर देना, मैंने सेव कर रखा है। डिस्प्ले में जाकर आपको क्या करना है, यही रहने देना है 16:900। ग्राफिक्स में आपको OpenGL, यहाँ पे ऑटो, यहाँ पे सॉफ्टवेयर डिकोडिंग, ग्राफिक इन यूज जो रहेगा वो उसका ऐसे IGT रहने देना, इसमें कुछ चेंज नहीं। गेम सेटिंग्स में कोई चेंजेज नहीं, डिवाइसेज में कोई चेंजेज नहीं, गेम पैड में कोई चेंज नहीं। प्रेफरेंस में आपको ऊपर के 5 को डिसेबल कर देना है, ये ध्यान रहे ऊपर के 5 को आपको डिसेबल कर देना है। ठीक है, इसके बाद आना है फ़ोन में। फ़ोन में आपको पहले टाइम में सैमसंग गैलेक्सी S20 Ultra सेट करना है यहाँ पे, और नेटवर्क में एयरटेल आपको रखना है, यही आपको ऑप्शन रखने हैं। यहाँ पे कोई चेंजेज नहीं, यूजर डेटा में कोई चेंजेज नहीं, यहाँ पे कोई चेंजेज नहीं, यहाँ पे कोई चेंजेज नहीं, और कुछ नहीं करना। इसके अंदर आप अपने ईमेल आईडी से लॉगिन कर जाओ। बस लॉगिन करने के बाद आप BGMI इंस्टॉल करो, अपडेट करने के बाद, लॉगिन करने के बाद मैं देख सकता हूँ मैं लॉगिन कर गया हूँ, और आज का डेट भी मैंने आपको दिखा दिया और मैंने लॉगिन भी कर लिया है, ये भी मैंने आपको दिखा दिया। आप देख सकते हो कौन सा मोड मैं खेल रहा हूँ। ठीक है, तो ये हमारा जो लेटेस्ट अपडेट आया है उसके बाद का सब चल रहा है। तो इस तरह से आप अपने गेम के अंदर, अपने ब्लू स्टैक इम्यूलेटर के अंदर आप इसको खेल सकते हो, BGMI को खेल सकते हो, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। और आप देख रहे हो कि मैं यहाँ पे जाता हूँ तो यहाँ पे ये सारे हैं, रैंक मोड में जाता हूँ तो रैंक मोड में आप देख सकते हो ये सारे मीरामार के जो नए हैं स्कोप ये सब आ गए हैं। देखो नया मैप जो लेटेस्ट आया है जोम्बी वाला ये आ गया है, आप देख सकते हो मैं इम्यूलेटर में खेल रहा हूँ ड्यूड। और आज का डेट भी आप देख सकते हो, मैं आपको गूगल पर डेट दिखा सकता हूँ। ठीक है, डेट टुडे करके तो आपको दिखाई देगा, अगर थर्सडे 19 अक्टूबर 2023 और आज के डेट में ये कर रहा हूँ, ये वीडियो बना रहा हूँ, अभी मैं लाइव डाउनलोडिंग भी कर रहा हूँ इम्यूलेटर के अंदर। आप देख सकते हो मेरा ब्लू स्टैक इम्यूलेटर है। आपको कंफर्मेशन के लिए मैं इसके सेटिंग में जाकर अबाउट में दिखाता हूँ। ये देखो ब्लू स्टैक मेरा इम्यूलेटर है और साथ में ऐप प्लेयर 5.13 है। आपको कुछ नहीं करना है यहाँ पर, अपडेट वगैरह कुछ नहीं करना, क्योंकि जिस पे स्मूथली काम करने दो, कोई चेंजेज मत करो, इसके साथ कोई छिड़खानी नहीं करो। ठीक है, ये वाला अभी देखो मैं दिखाता हूँ आपका, ये हमारा इरंगल जोम्बी एज। ठीक है, ये भी हमारा इसमें आ गया है। आप चाहते हो क्लासिक मोड खेलना, यहाँ से क्लासिक मोड भी ये भी इंस्टॉल कर सकते हो। तो मैं तो फिलहाल यही खेलूँगा, मेरे को ये मैं आपको सेटअप करना बताने वाला था कि कैसे आपको सेटअप करना है, सिंगल डुओ जो भी जैसे भी खेलना है। इसमें मेरा कोई फ्रेंड लिस्ट नहीं है, मैंने नया आईडी से इसको किया है ताकि मेरा, अगर मान लो कि कुछ खुदा ना खास्ता अगर कुछ होता है, ठीक है, अगर कुछ होता है बैंड होता है तो मेरा जो ओरिजिनल आईडी है उस पर कुछ नहीं होगा, इसलिए मैंने ट्यूटोरियल बना रहा था, मेरे को कन्फर्मेशन नहीं था कि ये चल ही जाएगा, इसीलिए मैंने इस आईडी से जीमेल आईडी से लॉगिन कर लिया। और आप देख सकते हो मैं अब लॉगिन हूँ, आराम से काम कर रहा है, मैं लॉगिन कर पा रहा हूँ, लॉगिन का कोई इशू नहीं, तो लॉगिन इशू फिक्स हो चुका है। आप ये काम कर सकते हो, आप सारा सेटिंग में जाकर देख सकते हो ये सब कुछ, आप मैचिंग करा सकते हो। ठीक है, ग्राफिक्स वगैरह में जाकर तो मैं ग्राफिक्स में स्मूथ कर लूँगा और 90 FPS पे कर दूँगा। ठीक है, योर करेंट ग्राफिक्स फ्रेम रेट सेटिंग में काउज योर डिवाइस हीट अप। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं हीट अप करना था, लेकिन मुझे 90 FPS पे खेलना है तो खेलना है। मैं क्लासिक जगह कलरफुल कर देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, ये सारे ऑप्शन तो मैं करूँगा ही करूँगा।
तो मैंने ये सेटिंग कर दी। तो पहली सेटिंग तो मैंने 90 fps पे चला दी इसको, आप देख सकते हो। ऑडियो वगैरह में आप बैकग्राउंड म्यूजिक को भाई हटाना चाहते हो तो मैं बैकग्राउंड म्यूजिक हमेशा हटा कर रखता हूँ, मुझे पसंद नहीं है वो सब, मैं हटा देता हूँ इसको। बैकग्राउंड वॉइस चैट है, इनेबल डिसेबल ये सब है, ऑप्शन है, आप चाहो इसको इनेबल करना इनेबल कर दो, डिसेबल करना डिसेबल करना। कस्टमाइज बटन में आपको कीबोर्ड का जो कस्टमाइज बटन करना है वो चाहो तो कस्टमाइज कर सकते हो, यहाँ से व्हीकल के लिए भी कस्टमाइज कर सकते हो। इसका मैं बाद में स्पेशल ट्यूटोरियल लाऊंगा, ऑलरेडी मैंने इस पर वीडियो डाल रखा है ब्लू स्टेक के या MSI ऐप के लिए सेटिंग कैसे करना है, आप देख लेना मेरे आई बटन में जाकर, वहाँ से आपको मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे मैं डिफ़ॉल्ट रखो, मोस्ट यूज रखो, सीजन एक्सपर्ट रखो, मैं मोस्ट यूज रखता हूँ, यही इस्तेमाल करता हूँ ज़्यादातर, ठीक है। और बाकी कोई चेंजेज आपको नहीं करना, और आपका जैसे ही गेम इंस्टॉल होगा आप जो गेम खेलना चाहो वो गेम खेल सकते हो।